नमस्कार। आज नमस्कार तो कर रहा हूँ लेकिन वो बात नहीं है। आज मेरा मन बहुत ही व्याकुल है उन परिस्थितियों को देखकर जो शायद किसी ने सोचा हो, आपने सोचा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूपी रोडवेज़ की, परिवहन निगम की, कि जहाँ पर एक सनसनीखेज मामला आया है, जहाँ पर चालक ने विवश होकर परिवहन निगम के टावर के ऊपर चढ़कर ऐलान कर दिया है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक परिवहन मंत्री उससे मुलाकात नहीं करेंगे, उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। देखिए, मैं राजू सैनी बोल रहा हूँ, टावर पर चढ़ा हुआ हूँ भाई, सुसाइड करने के लिए। सुनो भाई, भैया ड्राइवर कंडक्टर काम बंद कर दो आज से अपना, और बिल्कुल बंद कर दो, उस दिन की तरह कर दो, चक्का जाम कर दो जैसे 1-2 तारीख में किया था ना। ड्राइवरों ने अपनी ताकत दिखाई थी, बस वो ताकत दिखा दीजिए भाई। देखिए मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, देखो नीचे हैं। एक हो जाओ, एक अगर आज एक नहीं होंगे तो ऐसे ही खून चूसा जाएगा भाई। एक हो जाओ आज भाई, एक हो जाओ, काम बंद कर दो अपना, वहीं ब्रेक लगा दो। आखिर ऐसा क्यों, ये विषम परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? अभी मेरी अतरौली डिपो के संविदा चालक जो टावर के ऊपर बैठा है, अपनी मांगों को लेकर मेरी अभी उससे आइडियो पर बात हुई और वीडियो पर भी बात हुई। मैंने उससे एक ही कहा कि मेरे दोस्त नीचे उतर आओ, जो होगा मिलकर समस्या का समाधान किया जाएगा। लखनऊ प्रशासन नीचे मौजूद है, पुलिस प्रशासन नीचे मौजूद है, पूरा परिवहन निगम के अधिकारी मौजूद हैं। आखिर उसकी एक ही रट लगी है कि जब तक समस्या नहीं, मैं नीचे नहीं उतरने वाला। आखिर क्यों इतनी बड़ी बात उसने बोली, इसके पीछे बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आपको बता दें कि अतरौली डिपो के संविदा चालक राहुल सैनी का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से सिर्फ इतना कहना था कि मेरी बस, जिस बस का मैं संचालन कर रहा हूँ, जिस बस को मैं चला रहा हूँ, उसकी ब्रेक को सही करवा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में कोई भीषण हादसा हो सकता है। क्या हुआ कि फोरमैन ने भी नहीं सुनी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने भी नहीं सुनी और ड्यूटी क्लर्क ने जबरदस्ती मार्ग पर जाने के लिए आग्रह किया, तो राजू ने जिस तरीके से मना किया, तो मना करने में ही बात इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट पर आ गई और राजू को बुरी तरीके से पीटा गया। राजू के दिल को इतना हर्ट हुआ, इतनी तकलीफ पहुंची कि वो अपने परिवार को लेकर मुख्यालय के गेट के ऊपर धरना प्रदर्शन उसने शुरू कर दिया। परिवार जहां नीचे बैठा है और राजू टावर के ऊपर बैठा है। सोचो, उस छोटे छोटे बच्चों को लेकर, उसकी बीवी से पूछो, अगर राजू ने खुदा न खास्ता ऐसा कर दिया और सुसाइड, जिस तरीके से वो अपने वीडियो में भी कह रहा है, जा रही वीडियो के, मैं सुसाइड कर लूँगा अगर ये हो कर देता है ऐसा, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या परिवहन निगम के वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे? क्या सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अतरौली जिम्मेदार होंगे? क्या फोरमैन वहाँ का जिम्मेदार होगा? क्या ड्यूटी क्लर्क जिम्मेदार होगा? आखिर ऐसा क्यों आता है, ये भ्रष्टाचार ऐसा क्यों है? पार्ट्स नहीं आते, लोग कहते हैं पार्ट्स नहीं आते हैं रोडवेज के, तो उनको जवाबदेही बनती है, फोरमैन जाने। लेकिन ये तमाम एक तरीके की जो पहेली है, ये किसी के समझ में अभी तक नहीं आ पाई। इसके पीछे का एक लॉजिक सिर्फ इतना ही है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अपना भला हो, चालक परिचालक भाड़ में जाए। बहुत ही शर्म करने वाली बात है, उन अधिकारियों को एसी में बैठने वालों को भी बहुत ध्यान देने की बात है, परिवहन मंत्री दयाशंकर को भी बहुत ही ध्यान देने की बात है कि आखिर ऐसा एक संविदा का चालक 10,000 की सैलरी पर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला, क्यों उसके सामने ऐसा मंजर आ गया? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जब राजू से मैंने बात की तो मुझे बहुत ही हर्ट हुआ, मुझे भी बहुत हर्ट हुआ और मुझे लगा कि परिवहन निगम क्या बौना हो गया है, क्या अधिकारी सिर्फ एसी में ही बैठकर कार्य करना जानते हैं? जो एसी में बैठते हैं, एसी 47 के टेम्परेचर पर जो एसी में बैठकर कहते हैं कि आज गर्मी बहुत है, सोचिए वो टावर पर जो बैठा हुआ है, लोहा गर्म होगा, उसके मन पर क्या बीत रही होगी? उसको पैर रखने के लिए जहां पर पैर रख रहा होगा, वो जगह कितनी गर्म होगी? आखिर वो मजबूरी में ऐसे चढ़ गया तो क्या होगा? लोहा अभी टेम्परेचर और बढ़ेगा, लोहा और गर्म होगा, अगर उतरेगा अभी तो आखिर कैसे उतरेगा? उसके दिल से एक बार पूछिए, उसकी भावनाओं से पूछिए कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ जो उसको इतना बड़ा आहत पहुंचा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर लगातार परिवहन निगम में इतना भ्रष्टाचार क्यों होता जा रहा है? जहां पर रेगुलर या अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बात आती है तो वहां पर परिवहन निगम खामोश हो जाता है, किसी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करता है, अपनी तानाशाही दिखाता है। अगर बात संविदा चालक परिचालक की आ जाएगी, चाहे वो 5 रुपये की आ जाएगी, तो उसकी संविदा समाप्त कर दी जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों अधिकारियों के साथ, ऐसा क्यों नहीं? बिना सोचे समझे संविदा चालक परिचालकों की संविदा समाप्त कर दी जाती है, जबकि रेगुलर और अधिकारियों के साथ कवायद क्यों नहीं ऐसे की जाती? क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया जाता तत्काल प्रभाव से? जांच तो बाद की बात है, तो संविदाएं क्यों समाप्त कर दी जाती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है।
आखिर ये लगातार क्यों चल रहा है। मेरी आंखों में उस समय आंसू आ रहे थे जब मैंने ये बात राजू सैनी से की, जो टावर पर चढ़कर ये बात बोल रहा था कि भाई जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, परिवहन मंत्री से मैं मुलाकात नहीं कर लूँगा, मैं नीचे नहीं उतरूँगा। तो ऐसा ये परिवहन निगम है। तो परिवहन निगम से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, आपको लगता है कि ये सच्चाई है, तो प्लीज़ इसकी आवाज़ को बुलंद जरूर करें। और राजू सैनी के साथ जो अभद्रता हुई है, जो मारपीट हुई, उस पर कड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। हम सबका समर्थन उसके साथ है, हम चाहते हैं कि उसके साथ सही हो। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं, यहाँ पर सिर्फ बात है मान और सम्मान की। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें। और राजू सैनी की जो मन से आह निकली है एक संविदा चालक की, उसकी आवाज़ को बुलंद करने की ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आपके अपने छोटे भाई का मनोबल जरूर बढ़ाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ राजू भाई, आवाज़ आ रही? अरे किसका फ़ोन आया था आपके पास अभी? नहीं, परिवहन निगम के थे या कोई पुलिस वाला था? सादा वर्दी में क्या कह रहे थे वो? अच्छा, उतरने की रिक्वेस्ट आपका क्या कहना है इस पर? आप बताओ, आप चाहते क्या हो? जब तक परिवहन मंत्री नहीं आएंगे जब तक आप नीचे नहीं उतरेंगे? अतरौली ERM ने जो अभद्रता आपके साथ, आप कह रहे थे मारपीट की है, क्या पूरा मामला हुआ क्यों था ये? ठीक है, अच्छा ब्रेक सही नहीं किया? हाँ, उन्होंने आपके साथ मारपिटाई, आपके साथ मारपिटाई कितने लोगों ने की? क्या क्या नाम है उनके? एक प्रवीण कौन है? ये टाइम कीपर प्रवीण ने, अतरौली डिपो का मामला है ना ये? अच्छा, तो ठीक है। देखो, आपकी बात, आपकी जो बात है वो प्रशासन तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रवीण जी। ठीक है।